साल 1968 फरवरी महीने की 25 तारीख दिल्ली के फिजाओं से सर्दी विदा ले रही थी। पेड़ों पर नई शाखों की कोपलें फूट रही थी। दिल्ली के एक सफदरजंग रोड यानी तब के प्रधानमंत्री आवास में एक युगल का प्रेम परवान चढ़ रहा था। 3 साल डेट करने के बाद आज साथ में जीने मरने की कस्में खा रहे थे। 21 बरस की एक सकुचाई सी लड़की जो पैदा तो इटली के ट्यूरिन शहर में हुई थी, लेकिन आज उसने भारतीय संस्कृति और परंपरा को आत्मसात कर लिया था। ये साधारण से दिखने वाली लेकिन एक असाधारण प्रतिभा और जज्बे वाली लड़की के भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू बनने की कहानी। ये हिंदुस्तान की उस बहू के संघर्ष और त्याग की कहानी है जिसने भारतीय राजनीति में समर्पण की सबसे बड़ी और अमिट लकीर खींची। प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचकर उस पद को अस्वीकार कर देने वाली सोनिया गांधी के साहस और जज्बे का शायद ही कोई सानी। सोनिया गांधी, वो महिला जिन्हें राजीव द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन आई नो कहा करते थे, वो महिला जिसने अपनी माँ जैसी सास को अपनी बाहों में आखिरी सांस लेते देखा था, वो महिला जिसने इस देश की खातिर बलिदान हो गए अपने पति को चिथड़ों में देखा था, कई दफा द्रवित और विचलित भी हुई लेकिन देश के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख ना हुई। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आज मैं इतिहास के पन्नों को पलटते हुए सोनिया गांधी के त्याग और समर्पण की कहानी सुनाने और दिखाने आया हूं। कहानी यहां से शुरू होती है। ये साल 1965 था जब राजीव की आंखें सोनिया से कैम्ब्रिज के एक रेस्तरां में मिली थी। पढ़ने में तेज तरार सोनिया ने कैम्ब्रिज के लैंग्वेज कॉलेज में दाखिला लिया था। वहां रहने के दौरान उन्हें खाने की समस्या हुई तो कैम्ब्रिज में ही एक ग्रीक रेस्तरां में नियमित तौर पर खाना खाने जाने लगी। यहीं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई और दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। दोनों का रिश्ता इस रिश्ता से शुरू हुआ जो एक अटूट बंधन में बंध गया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री के बेटे जरूर थे लेकिन उन्हें सियासत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी ओर सोनिया के लिए तो जैसे राजीव ही पूरी दुनिया हो। राजीव इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन चुके थे, सोनिया घर संभाल रही थी। दोनों के चारों तरफ ऐसे लोग थे जिनके विचारधारा, विश्वास और शासन जैसे चीजें रोजमर्रा की बातें थी। इसी बीच सोनिया ने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया था। उनकी सास से उनका रिश्ता प्यार, धीरज और साझेदारी का था, लेकिन सोनिया ने इंदिरा के साथ कभी एक चीज की साझेदारी नहीं की और वो थी राजनीति। सोनिया कभी राजीव के गले में हाथ डालकर तो कभी पार्क में टहलने निकल जाया करती थी, कभी किसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने चली जाया करती थी। शादी के बाद भी प्रेमी युगल की तरह दुनिया से बेपरवाह ये दोनों परिंदे अपने जिंदगी अच्छी तरीके से जी रहे थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इन परिंदों की खुशी पर किसी की नजर लग गई थी। 23 जून 1980 यानी आज से ठीक 42 साल पहले दिल्ली के आसमान में एक विमान गुलाटियां खाते अशोका होटल के पीछे जमीन पर जा गया। जब तक लोग पहुंचते उसमें सवार दोनों लोगों की मौत हो गई थी। लोग नजदीक पहुंचे तो देखा उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी मृत पड़े थे। संजय अपनी मां के राजनीतिक सफर में उनके सहयोगी थे। संजय की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी अकेली पड़ गई थी। यह घटना सोनिया के जीवन में तूफान आने की दस्तक भर थी। फिर क्या हुआ? इंदिरा को राजनीति में सहारा देने के लिए भारी मन के साथ राजीव को सियासत में एंट्री लेनी पड़ी। राजीव की एक तरफ शोक संपत्त मां थी तो दूसरी तरफ राजीव को पनीली आंखों से देखती सोनिया गांधी। बस 4 साल तक ही सब कुछ सामान्य रहा। किस्मत और खुशी से सोनिया की न जाने क्या ठन गई थी कि अब की बार तूफान ने उनके जीवन में सबसे बड़ी छाया देने वाले शख्स को ही उखाड़ दिया। साल 1984 अक्टूबर महीने की अंतिम तारीख सुबह के 9:30 बजे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने ही उन्हें 32 गोलियां मार दीं
और उनकी हत्या कर दी। सोनिया गांधी घर पर ही मौजूद थी। नंगे पांव मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आईं। सफ़ेद रंग की एम्बेसडर कार इंदिरा के पास बुलाई और उनका सिर अपनी गोद में रखकर पीछे की सीट पर बैठ गई। 4 किलोमीटर के सफ़र के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया के कपड़े खून से भीग चुके थे। इंदिरा गांधी को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। लहूलुहान इंदिरा अपनी आखिरी सांसें लेते समय अपनी बहू के सबसे ज़्यादा नज़दीक थी। सोनिया ने लाख कोशिशें की, दुआएं मांगी, लेकिन अपनी मां जैसी सास को नहीं बचा पाई। आखिरकार गोलियों से घायल हुई इंदिरा गांधी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उस दिन देश ने अपना सबसे ताकतवर नेता खो दिया था, लेकिन सोनिया ने तो सिर्फ मां जैसी सास ही नहीं, मानो पति को भी अलविदा किया। इंदिरा की मौत के बाद राजीव पूरी तरह देश के हो। पीसी अलेक्जेंडर की किताब माई ईयर्स विद इंदिरा गांधी के मुताबिक, जब राजीव सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाना चाहती है, तब सोनिया भड़क गई थी, गुस्सा हो गई थी और मना करते हुए कहा था, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊँगा। और फिर 7 वर्ष बाद राजीव के बोले वो शब्द सही सिद्ध हुए। ये 21 मई सन 1991 की घटना है। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में कांग्रेस की जनसभा होनी थी। रैली में जबरदस्त भीड़ थी। रात 10:20 का समय हो रहा था। राजीव गांधी जिंदाबाद के नारों से पूरा श्री पेरम्बदूर गूंज रहा था। राजीव जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच की ओर बढ़ चले थे, तभी एक युवती जिसका कद छोटा और रंग सांवला था, चंदन का हार लेकर राजीव की तरफ बढ़ती है, पैर छूने के लिए झुकती है, बटन दबाती है और राजीव का शरीर चिथड़ों में बढ़ जाता है। ये आजाद भारत में किसी भी नेता के हत्या की सबसे विभत्स घटना थी। एक शहीद प्रधानमंत्री का बेटा भी शहीद हो गया था। राजीव जा चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तकरीबन 10:25 पर राजीव के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज के चाणक्यपुर स्थित निवास पर फोन की घंटी बजती है। दूसरे छोर पर उनके एक परिचित ने बताया कि चेन्नई में राजीव से जुड़ी एक बहुत दुखद घटना हुई है। जॉर्ज तुरंत 10 जनपद की ओर चल दिए। तब तक सोनिया और प्रियंका गांधी सोने जा चुके थे। अब 10 जनपद पर फोन की दोबारा घंटी बजती है। फोन चेन्नई से आया था। इस बार फोन करने वाला हर हालत में जॉर्ज या मैडम से बात करना चाहता था। उसने कहा कि यह खुफिया विभाग से है। हैरान परेशान सचिव ने पूछा, राजीव कैसे हैं? दूसरी तरफ से 5 सेकंड तक शांति रही, लेकिन ऐसा लगा कि यह समय कभी खत्म ही ना हो। फोन करने वाले ने कहा, सर वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इसके बाद लाइन डेड हो गई। इसके बाद सोनिया गांधी ने एक कांपती हुई आवाज सुनी, जिसने कहा कि चेन्नई में एक बम हमला हुआ है। बताने वाली की चुप्पी ने सोनिया को सब कुछ बता दिया। 10 जनपद की दीवारों ने पहली बार सोनिया की चीखें सुनी थी। देश का नेता जा चुका था। सोनिया गांधी अपना पति खो चुकी थी। बेहद छोटी उम्र में राहुल और प्रियंका के सिर से उनके पिता का साया हट चुका था। ये वो समय था जब सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल और बेटी प्रियंका के साथ अकेली हो गई थी। राजीव की मौत के बाद सोनिया गांधी टूट चुकी थी। उन्होंने कैम्ब्रिज के कैंटीन में जिस भारतीय नौजवान को पसंद किया था, उसका आखिरी चेहरा भूल जाना चाहती थी। वो शख्स जिसके साथ वो आइसक्रीम खाने इंडिया गेट जाया करती थी, उसका शरीर उन्हें चिथड़ों में वापस किया गया। वो शरीर जिसके ना जाने कितने भाग उड़ गए थे। राजीव की हत्या के बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय न रहा। सोनिया ने राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना के बाद खुद को राजनीति से दूर रखने की कोशिश की। हालांकि तब भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता रोज ही सोनिया गांधी के आवास पर जाकर उनसे पार्टी का नेतृत्व करने की गुहार लगाया करते थे। सोनिया गांधी हर बार उन्हें मना करके वापस भेज दिया गया।
राजीव और इंदिरा की हत्या के बाद परिवार की एक विरासत थी, कुछ वादे थे। मैं भी एक युवा हूँ, मेरी भी कुछ सपने हैं, जैसे कालजयी वक्तव्यों में राजीव की जिंदा रूह थी। हिंदुस्तान के परंपरा और सद्भाव को रफ्तार देने वाली एक पार्टी थी, जिसमें जान फूंकने के लिए अब मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता आन पड़ी थी। आखिरकार तकरीबन 7 सालों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बाद सोनिया को महसूस हुआ कि वो राजनीति में ना आकर बड़ी गलती कर रही। उन्हें महसूस हुआ कि आने वाली पीढ़ी उन्हें न केवल डरपोक कहेगी, बल्कि देश का भविष्य दुनिया के मुकाबले स्याह हो जाएगा। सोनिया काफी कश्मकश के बाद अब तमाम नफा नुकसान की परवाह किए बगैर कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार हो चुकी थी। उन्होंने इंदिरा के मजबूत इरादों को थामा, राजीव के सपनों की लंबरदार बनी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। अब सोनिया गांधी के हाथों में पार्टी की कमान थी। ये वो समय था जब विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है। कोई कहता कि कांग्रेस 115 साल की बुढ़िया हो गई है, लेकिन वक्त के साथ सोनिया ने उन सबको आईना दिखा दिया। साल 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बिल्लारी और उत्तर प्रदेश की अमेठी से पर्चा भरा और दोनों सीटें जीत गईं। हालांकि बाद में उन्होंने अमेठी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने सरकार बनाई, तो सोनिया गांधी लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई। वहीं फिर साल 2000 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा की गई। सोनिया गांधी के सामने शाहजहांपुर से सांसद जितेंद्र प्रसाद अध्यक्ष पद के दावेदार बने। पूरे देश में जोर शोर से चुनाव की तैयारियां हुई। चुनाव हुए, मतगणना में सोनिया गांधी को 7,448 वोट मिले, तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी जितेंद्र प्रसाद के खाते में मात्र 94 वोट दर्ज हुए। बहरहाल अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी की एक लंबी और मजबूत राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। इसी बीच अब साल 2004 का समय आ चुका था। देश में लोकसभा चुनाव होने थे। एक ओर अटल बिहारी वाजपेयी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनावी मैदान में दूसरी बार थे, तो उनके सामने सोनिया गांधी के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव में उतर चुकी थी। भाजपा ने जहां 1999 का चुनाव विदेशी सोनिया बनाम स्वदेशी वाजपेयी पर लड़ा था, वहीं 2004 के आम चुनाव में पार्टी ने इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारा दिया था। लेकिन इस चुनाव में सोनिया गांधी ने इतिहास रच दिया। चुनावी नतीजे आने के बाद 145 सीटें पाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सोनिया गांधी ने अटल आडवाणी को चारों खाने चित कर दिया था। यह चुनाव सोनिया गांधी के मजबूत नेतृत्व का गवाह बना, जब उन्होंने देश भर के अलग अलग हिस्सों में चुनाव जीतने वाले क्षेत्रीय पार्टियों को भरोसे में लेकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए का गठन किया। सोनिया गांधी ने यूपीए के निर्माण में पूरी दुनिया के सामने गठबंधन की समावेशी राजनीति का नया आयाम पेश कर दिया। यही नहीं, वाम दलों ने भी एक साझा यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर समर्थन दिया। सोनिया गांधी के नेतृत्व में नवगठित यूपीए गठबंधन बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही थी। खबरें उठी कि संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने को लेकर चिट्ठी तैयार कर रखी जा चुकी है। 18 मई 2004 की तारीख। यूपीए के सभी घटक दलों को भरोसे में लेने के बाद सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लेकर राष्ट्रपति भवन के दफ्तर पहुंचती हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से कहती हैं, शपथ ग्रहण से जुड़ी मेरे नाम की चिट्ठी हटवा दीजिए। मैं सरकार बनाने के लिए दावा करने जरूर आई हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे। सोनिया गांधी के इस फैसले ने कलाम साहब को गहरे आश्चर्य में डाल दिया था। राष्ट्रपति कलाम ने अपनी यादों की किताब विंग्स ऑफ फायर का दूसरा खंड टर्निंग पॉइंट में भी उन्होंने इसका जिक्र करते हुए लिखा है। कलाम साहब लिखते हैं कि सोनिया गांधी ने मुझे कई दलों के समर्थन पत्र दिखाए। इस पर मैंने कहा कि ये स्वागत योग्य है और राष्ट्रपति उनकी सुविधा के समय पर शपथ ग्रहण करवाने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने लिखा है, इसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनेंगे। ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था और राष्ट्रपति भवन के सचिवालय को चिट्ठियां फिर से
तैयार करनी पड़ी। यह विडंबना का पल था क्योंकि तब सुषमा स्वराज सोनिया के प्रधानमंत्री बनने के विरोध में सिर मुड़वाने की धमकी दे रही थी। चुनाव में मूकी खाने के बाद भाजपा के कई बड़े नेता सोनिया गांधी को विदेशी बताकर विरोध कर रहे थे। ये मैंडेट सोनिया गांधी के नाम पर मिला था। देश उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहता था, लेकिन सोनिया गांधी के मन में तो कुछ और ही था। 17 मई को संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी। एक बड़े से हॉल में मंच सजा हुआ था। कुछ ही देर में सोनिया गांधी कुछ ऐलान करने वाली थी। फिर सोनिया खुद आई और बोली, मैं हमेशा साफ रही और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। वजह जो भी रही हो, सोनिया ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। हॉल में खड़े सभी लोग अवाक रह गए थे। देखते ही देखते यूपीए गठबंधन के कई बड़े नेता वहां पहुंच चुके थे। 10 जनपद के बाहर कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी तो ठुकरा दिया था, उनके इस फैसले ने बड़े बड़ों के पांव ठिठका दिए थे। कार्यकर्ताओं का जोश अब आंदोलन का रूप लेने लगा था। सोनिया के समर्थन में पूरे देश से चक्का जाम, भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन की खबरें आने लगी। कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या तक करने की धमकी दी, लेकिन सोनिया फिर भी ना हिली, अडिग रही। प्रधानमंत्री का पद ठुकराने के बावजूद सोनिया गांधी देश की सबसे ताकतवर नेता बन चुकी थी। उनके त्याग और बलिदान ने पक्ष विपक्ष समेत पूरे देश को सन कर दिया था। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। यूपीए सरकार में सोनिया गांधी बतौर यूपीए की चेयरपर्सन मजबूती से खड़ी रहीं। मनमोहन सिंह सरकार के जन कल्याणकारी फैसलों के पीछे सोनिया गांधी की अमिट छाप थी। यूपीए 1 और 2 के दौरान जन अधिकारों का स्वर्णिम दौर सोनिया गांधी और यूपीए सरकार की साझेदारी का नतीजा था। अपने सम्मुख सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से ऐसे लोगों को जोड़ा जो कि शोषित वंचित तबकों के लोगों की आवाज़ को और मुखर कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीण भारत में मनरेगा से लोगों को काम का अधिकार मिला, देश भर के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला, प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के उद्देश्य से सूचना का अधिकार मिला। भारत जैसे प्रगतिशील देश में हर घर अन्न पहुँचे, उसी मकसद से भोजन का अधिकार कानून लाया गया। यही नहीं, आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन का अधिकार मिला, जिससे कि उनका उत्पीड़न ना हो सके। इसके बाद NRHM यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार मिला। ये वो स्वर्णिम दौर था जब ऐतिहासिक रूप से 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उबारा गया था। सोनिया गांधी भले ही विदेश में जन्मी थी, लेकिन जीवन के 76 वर्षों में से 55 तो उन्होंने इस देश की बहू बनकर हिंदुस्तान की संस्कृति के संरक्षण और अपने कर्तव्य के निर्वाह में ही बिताए हैं, और इसका उन्हें गर्व है। I came to India in 1968 as the daughter-in-law of Indira Gandhi. I have spent 48 years of my life in India. This is my home. This is my country. For all of my 48 years here in my country, India, it is in its earth that the blood of my loved one is mingled. It is here that I will breathe my last, and it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones. The Prime Minister can sink to whichever depths he wishes to challenge my integrity, but he cannot take the truth away from my commitment and my love for India. जिस राजीव की दुल्हन बनकर सोनिया भारत आई, उनके साथ तो महज 23 साल ही बिता पाई। जीवन के 32 साल तो वैधव्य की पीड़ा को सहते हुए अपने कर्तव्य पथ से कभी भी सोनिया विमुख ना हो।
इस देश की समस्याओं का समाधान किया और कांग्रेस को एकजुट और मजबूत बनाए रखा। उम्र के इस पड़ाव पर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस के मूल्यों की सदैव संघर्षिका बनी रहीं। जिस राजीव के संग जीवन के सुनहरे स्वप्न देखे थे, उन्हीं राजीव के सपनों को साकार करने के लिए त्याग और समर्पण के लिए एक अमिट इबारत लिखी सोनिया गांधी। आज सोनिया जी का जन्मदिन है। सोनिया जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।